हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में. दोस्तों, ये वीडियो मैं करना इसलिए चाहता था कि आज अपने मॉर्निंग में सीए देखा होगा, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि उन्हें करंट अफेयर्स याद नहीं रहता. मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और ये वही बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं. जो थोड़े पुराने बच्चे, उन्हें आइडिया है कि कैसे सीए याद रखना होता है. दोस्त, सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बोलूँगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत. तुम्हारे मन में कहीं ये बैठ ना जाकर तुम कर ही नहीं पाओगे. अगर तुम्हारे मन में ये बैठ गया तुमसे नहीं होगा, तो वास्तव में तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम प्रयास ही नहीं करोगे उसके लिए. दोस्तों, पहली बात कि अपने मन में ये मत बैठाओ कि नहीं हो पाएगा. हाँ, मैं जानता हूँ ये इतना ईजी नहीं है, ये इतना सरल नहीं है, कहने वाली बात है. बट पहले तो ये निगेटिव माइंड सेट हटाओ कि तुमसे नहीं हो पाएगा. अब दूसरी बात करते हैं, कैसे हो पाएगा फिर. डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा हूँ. क्या आप शाम वाली क्लास के जो अन अकेडमी पर होती है 10:10 पर उसका एमसीक्यूज दे रहे हो? क्या उस एमसीक्यूज के पीडीएफ को आप फोल्ड, अपने आप से क्वेश्चन पूछो पहले ये कि क्या उस पीडीएफ को तुम डेली मेंटेन कर रहे हो? शनिवार की रात को या संडे को मैंने बताया है कि पूरे वीक का करंट अफेयर्स तुम्हें रट्टा मारना है, रिवीजन करना है. क्या तुम कर रहे हो? क्या तुम वीकली बेसिस पर रिवीजन कर रहे हो? वीकली करंट अफेयर्स क्लास अटेंड कर रहे हो? क्या तुम मंथली रिवीजन कर रहे हो? मंथली पीडीएफ मैंने दी हुई है दोस्तों. तो चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब हमें करना ही पड़ेगा. तो करने में दर्द होता है, पेन होता है, बट करना पड़ेगा. मतलब यार, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें हमने हमने कभी हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन नहीं किया, वो करना पड़ेगा. हमें अपने लाइफ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनाओ. डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, रात में एमसीक्यूज दो, वीकली उसको रिवाइज करो. अब देखो, सपोज करो हम बात करते हैं जुलाई मंथ की. तुमने पहला वीक रिवाइज कर लिया. जब तुम दूसरे वीक पहुंचोगे और दूसरा वीक रिवाइज करोगे, तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें पहला वीक रिवाइज करना ही पड़ेगा. तीसरे वीक में जाओगे तुम, तो पहले वीक को दूसरे वीक को रिवाइज करना ही पड़ेगा तुम्हें. और अगर तुमने अच्छे से रिवाइज किया है, तो पहला वीक या दूसरा वीक, तीसरे वीक में जब तुम रिवाइज करोगे, तो उतना टाइम नहीं लगेगा. रिवीजन, केवल एक चीज़, रिवीजन जो तुम्हें अच्छे मार्क्स दिला सकती है जीएम. थैंक यू सो मच.